जुडिशरी कमेटी कांगड़ी श्री प्रवीण पुरी जो एक एनजीओ चलाते हैं कांगड़ी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बैंड संगीता देवी जी, सरपंच बगनोटी श्रीमती शारदा देवी जी, सरपंच राजो जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और उधमपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू पहुंच के सांसद और फिर यहां से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कविंदर गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बड़े भागा हुआ कि मिगी आज दोबारा मौका लग गया कि मैं मां वैष्णो देवी के चरणों में मत्था टेक सक्या। मैं बाबा जित्तो जी की भी सुखी प्रणाम करना, वीर डोगरों की धरती को आपके चौकीदार का प्रणाम। मिट्टी जाए डोगरे थे बोली, देखंड मिठे लोग डोगरे। ये कहावत मैं तब अक्सर सुना करता था जब संगठन मंत्री के रूप में यहां आपके बीच में काम करता था। डोगरों की शौर्य गाथाएं यहां के कण कण में रची बसी है और हम भाजपा के लोगों के तो रगों में प्रेमनाथ डोगरा जी की त्याग तपस्या आज भी हमें प्रेरणा और ऊर्जा दे रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि 2019 के चुनाव के लिए जब मैं पूरे देश से आशीर्वाद मांगने निकला हूं तो पहले दिन मुझे जम्मू आने का अवसर मिला है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए हैं।
साथियों, जम्मू शौर्य की भूमि है, श्रम और श्रद्धा की नगरी है। आप सभी एक प्रकार से मां भारती की ढाल है, मां भारती के वो रक्षक हैं जो दुश्मन के गोलों और साजिशों का सबसे पहले सामना कर रहे हैं। आप सभी के बुलंद हौसले को मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, आने वाली 11 अप्रैल को आप जब ईवीएम का बटन कमल के फूल के सामने दबाएंगे, तो उसकी आवाज देश के भीतर जमे आतंकियों के और आतंकियों के साथियों में खलबली मचाएंगे ही। लेकिन बात यहां अटकेगी नहीं, सीमा पार भी उसकी गुंज सुनाई देगी। फैक्ट्री चलाने वाले आज खौफ में है, डर के साए में जी रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत को दहलाने के लिए सीमा पार से आने वाले आतंकी भी 100 बार सोच रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं तो हैरान हूं, देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के इस अभियान के बीच ये कांग्रेस को और उसके साथियों का आखिर हो क्या गया है? समझ ही नहीं आता है कि क्या ये वही सरदार पटेल की कांग्रेस है जिसने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दिन रात एक कर दिया था। मुझे समझ नहीं आता कि क्या ये वही कांग्रेस है जिसमें रहकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंदुस्तान की कल्पना की थी। साथियों, मेरी आत्मा तो यही कहती है, नहीं, ये वो कांग्रेस नहीं है। आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? आप कल्पना कर सकते हैं? मोदी विरोध की जीत में कांग्रेस के नेताओं को देश का हित दिखाई देना ही बंद हो गया है। पूरा देश
बात कर रहा है, एक सूर में बात कर रहा है और एक कांग्रेस के नेता दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरा सूर हड़प रहे हैं। भाइयों बहनों, बालाकोट में आतंकियों पर, बालाकोट में आतंकियों पर भारत ने जो प्रहार किया, उसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस के नेता ऐसी बातें कर रहे हैं जो भारत के पक्ष में नहीं है। इतना ही नहीं, यहां जम्मू कश्मीर में भी सारा जो राज करते रहे वो भी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो भारत के गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस की ये भाषा आपको मंजूर है? पीडीपी की भाषा मंजूर है? एनसी की भाषा मंजूर है? अरे किसी भी देशवासी को ऐसी भाषा कैसे मंजूर हो सकती है जिसकी बातों से तालियां पाकिस्तान में बजती हो? आज आतंकी और आतंक के सरपरस्त ये दुआएं मांग रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान का टीवी देखोगे तो पता चल जाएगा, सोशल मीडिया में भरपूर आ रहा है, वहां पर यही है, वो दुआएं मांग रहे हैं कि कुछ भी हो जाए चौकीदार उससे जैसे तैसे छुटकारा मिले। और ये महामिलावटी दिल्ली में आकर के बैठ जाए, क्या देश को ये मंजूर है? आपको ये मंजूर है? साथियों, कांग्रेस के नामदार के गुरु जो देश विदेश में उनके साथ रहते हैं, कांग्रेस की नीति निर्धारण करते हैं और वे बिना कोई संकोच, बिना कोई लाज शर्म, बिना कोई लाग लपेट हिंदुस्तान की धरती पर टीवी मीडिया के सामने आतंकियों को क्लीन चीट दे रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चीट दे रहे हैं। मेरे जम्मू के भाइयों बहनों, जरा बताइए, जब गुरु ही ऐसा होगा तो चेले कैसे होंगे और चेले के साथी कैसे होंगे? दो तीन दिन पहले जो कुछ हुआ वह तो और शर्मनाक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार द्वारा अनाप-शनाप बयानबाजी की गई, ये पूरे देश ने देखा है। देश ये भी देख रहा है कि कैसे कांग्रेस ने इन लोगों से हाथ मिलाया हुआ है। क्या कांग्रेस का हाथ ऐसे ही लोगों के काम के लिए है क्या, जो भारत के लिए अनाप शनाप बोले,
जो पाकिस्तान का जय जयकार करे, और कांग्रेस इनको कंधे पर बिठा दे, ये आपको मंजूर है क्या? कोई देश इसको स्वीकार कर सकता है क्या? इनको भारत माता की जय कहने में समस्या है, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की जय कहने में उन्हें गर्व हो रहा है। साथियों, आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की साझेदारी ने एक चक्र पूरा कर दिया है। जम्मू कश्मीर की स्थिति जो आज है, इसके लिए ये तीनों जिम्मेदार है कि नहीं है? कांग्रेस जिम्मेदार है कि नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है कि नहीं है? पीडीपी जिम्मेदार है कि नहीं है? इन्हीं की ही साझेदारी का परिणाम है कि इतने वर्षों तक कश्मीरी पंडितों को इतना कुछ सहना पड़ा। आतंक का जो जहर जम्मू कश्मीर में घुला है, उसके बड़े जिम्मेदार भी यही तीन दल है। इनके लिए सत्ता जरूरी है, परिवार की आकांक्षाएं जरूरी है, वंश और विरासत को बचाना जरूरी है, देश की सुरक्षा, देश का मान सम्मान इनके लिए प्राथमिकता नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। साथियों, कांग्रेस के विचारकों का, कांग्रेस के नीति निर्धारकों का यही रवैया है, जिसने आतंक के पनाहगारों का हौसला बढ़ाया है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश को दशकों से भुगतना पड़ रहा है, अपनों को खोना पड़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के हमारे सामर्थ्य पर भी कभी भरोसा नहीं किया। इनके पास बड़े और कड़े फैसले लेने की हिम्मत ही नहीं है। ये मरे पड़े लोग हैं। मैं जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक को ये विश्वास दिलाने आया हूं, ये कितनी भी ताकत लगा दे, ये चौकीदार इनके रास्ते पर मजबूती से खड़ा रहेगा। आप लोगों ने मुझे बहुत निकट से देखा है, आपके बीच में देखा है, और वो दिन आपको भी याद होगा, ढाई दशक पहले लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए जो मैंने कहा था, आज भी वही रुख, वही जज्बा, वही आचरण लेकर के चल रहा हूं। सत्ता के मोह में ना तो मैंने अपने रुख को बदला है, और आज
आपको भरोसा है आगे भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बची है। आतंक के साथी चाहे सीमा पार हो या फिर देश के भीतर, एक बात कान खोल करके सुन ले, भारत के हितों, भारत की सुरक्षा के विरुद्ध उठाया गया एक भी कदम भारी पड़ेगा। सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही है, आतंकियों की फंडिंग से लेकर उनसे जुड़े लिंक को खंगाल रही है। ऐसे संगठन जो आतंकियों को बढ़ावा देते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आज जब पुरानी रीति नीति को बदल रहा हूं तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं को नींद नहीं आती है, तकलीफ हो रही है। ये आए दिन चौकीदार को गाली देने में जुटे हैं। आप मुझे बताइए, आपका ये चौकीदार जो कर रहा है वो सही है या नहीं? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? जम्मू कश्मीर के हित में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो आपको सही लगते हैं कि नहीं लगते हैं? मैं ठीक दिशा में जा रहा हूं? अगर जम्मू के लोगों को चौकीदार पर विश्वास है ना? पक्का है? हर गांव में है, हर गली में है, हर घर में है। अगर आपका इतना विश्वास है चौकीदार पर तो पक्का लिख के रखिए, ये महामिलावटी लोगों की महागिरावट है। साथियों, एलओसी और सीमा से सटे अनेक गांवों को पाकिस्तान की नापाक हरकतों के चलते दिक्कत हो रही है, इसका मुझे पूरा एहसास है। अपनी बौखलाहट, इस बौखलाहट में वो हमारे गांवों को, रिहायशी बस्तियों को, हमारे पशुओं को निशान बना रहे हैं। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। जिस सामर्थ्य के साथ, जितनी शक्ति से हमारी सेना जवाब दे रही है, उसके सामने ज्यादा दिन वो टिक नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, टिक पाएंगे? एक तरफ हमारी सेना
सही जवाब दे रही है, तो दूसरी तरफ सरकार आपकी सुरक्षा और सुविधा का भी इंतजाम कर रही है। इसके लिए सीमा पर करीब 20,000 बंकर बनाए गए हैं। साथियों, जीवन अमूल्य होता है, उसे पैसों से नहीं तोला जा सकता, लेकिन अगर दुर्भाग्य से नापाक गोलीबारी से किसी की जान चली जाती है तो उसका मुआवजा भी 5 गुना बढ़ा दिया गया है। साथियों, हिंसा और साजिश के प्रति अपनी लड़ाई को लेकर मेरी शक्ति और मेरा विश्वास इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि मुझे जम्मू कश्मीर के युवा चौकीदारों का समर्थन मिल रहा है। माताओं बहनों के आशीर्वाद मिल रहे हैं। यहां के नौजवान सेना और दूसरे सुरक्षा बलों में भर्ती होने के लिए भारी संख्या में आगे आ रहे हैं। हमारी सरकार ने यहां के युवा साथियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अवसरों में भारी वृद्धि की है। सेना और केंद्रीय बलों में एक विशेष भर्ती अभियान के तहत 20,000 से अधिक युवा साथियों को हमने भर्ती कराया है। साथियों, आपका ये चौकीदार राष्ट्र रक्षा के लिए भी पूरी तरह समर्पित है और जम्मू कश्मीर के संतुलित विकास के प्रति भी उतना ही सजग है। 4 लेन की सड़कें हो, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम, आईआईटी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जम्मू को मिले हैं। किश्तवाड़ में बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास तो मैंने पिछले महीने ही किया है। इसके अलावा जम्मू का रिंग रोड हो, चेनाब नदी पर बना इंद्रीपत्तन परदवाल पुल हो, चेनानी नशारी टनल हो, चेनानी गोहा सड़क हो, जम्मू अखनूर 4 लेन सड़क हो, सुंदरबनी नौशेरा रजौरी और सुंदरबनी के रास्ते पूछ तक यहां का नेशनल हाईवे हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट से यहां की कनेक्टिविटी का सुदृढ़ होना सुनिश्चित हुआ है। साथियों, इन सभी कार्यों के बीच आप याद रखिएगा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सभी जम्मू के साथ छल किया है, बेफाव किया है। विकास के तमाम प्रोजेक्ट को लटकाने और भटकाने का काम किया है। जम्मू में विक्रम चौक से गांधीनगर तक के फ्लाईओवर की मांग कितने सालों की थी, हमने उसे पूरा किया है। साथियों, आपका ये चौकीदार विकास की पंचधारा यानी बच्चों को पढ़ाई, बुजुर्गों को दवाई,
युवा को कमाए, किसान को सिंचाए और जन जन की सुनवाई ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी सोच के साथ हमने बड़े कदम उठाए हैं जिनका लाभ पूरे जम्मू कश्मीर को भी मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जम्मू कश्मीर के लगभग 14 लाख किसान परिवारों को सीधी मदद मिलना तय हुआ है। इसमें से 4.5 लाख को पहली किस्त मिल चुकी है, बाकियों के खाते में भी बहुत जल्द मदद पहुंच जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत यहां के 6 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा सुनिश्चित हुई है। ऐसे ही 9 लाख से अधिक गरीब बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है, तो 25,000 से अधिक गरीबों के पक्के घर बनाए जा चुके हैं। अभी जिनको गैस कनेक्शन और घर नहीं मिला है उनको भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, उनको भी बहुत ही जल्द उनका ये हक मिल जाएगा। साथियों, गरीब परिवारों के लिए हमने ऐसे अनेक काम तो किए ही है, मध्यम वर्ग के लिए भी बहुत बड़ा कदम इस बजट में उठाया है। 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर टैक्स हमने पूरी तरह से माफ कर दिया है। भाइयों और बहनों, देश के साधनों और संसाधनों में हमारे युवा साथियों को अवसरों की समानता मिले, सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में सबको भागीदारी मिले, इसके लिए हमने अनेक बड़े कदम उठाए हैं। 2 फैसले हैं जो भाजपा की और कांग्रेस की नीति और नियत को साफ साफ उजागर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे लोग लंबे अरसे से आरक्षण की मांग कर रहे थे, कई सरकारें आई और चली गई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिछले महीने ही हमारी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और राज्य सरकार की सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे लोगों को 3% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। इसी तरह पहाड़ी लोगों के लिए भी 3% का आरक्षण दिया गया और दूसरा फैसला भी आरक्षण से जुड़ा है। ये मांग भी दशकों से आ रही थी लेकिन कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति हारी आती थी। वो फैसला भी हमने किया, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को आरक्षण की मांग देश में दशकों से हो रही थी लेकिन किसी में संविधान संशोधन की हिम्मत नहीं थी। हमने इच्छा शक्ति दिखाई और गरीबों के लिए 10% आरक्षण आज लागू हो चुका है।
यही सबका साथ सबका विकास का हमारा मंत्र है और इसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, इसके साथ ही पाकिस्तान से आए शरणार्थी परिवारों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आकर यहां बसे बहन भाइयों का भी ध्यान रखा जा रहा है। भाइयों बहनों, ये सारे काम इसलिए हो पा रहे हैं। क्यों हो पा रहे हैं भाई, ये सब क्यों हो पा रहा है, ये सब क्यों हो पा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या कारण है? कारण मोदी नहीं है, ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके वोट की ताकत है। 2014 में आपने आपका एक वोट देकर मेरा हौसला बढ़ाया था। आपने जो पिछला वोट दिया था उसका नतीजा आप देख रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपका वोट काम में आया कि नहीं आया? आपके लिए उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ? अब इस बार आपका वोट जम्मू कश्मीर के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। समृद्ध सुरक्षित राज्य बनाएगा। आपके चौकीदार के ऐसे ही अनेक प्रयासों की रोशनी में 11 अप्रैल के दिन आपको पोलिंग बूथ में भारी संख्या में जाना है। आप सब वोट देने जाएंगे, औरों को भी वोट देने के लिए कहेंगे, आपकी मेरी बात घर घर पहुंचाएंगे, एक एक मतदाता को समझाएंगे। आपका एक वोट नए भारत की नीति और नेतृत्व को मजबूत करेगा। आपका वोट मजबूत सरकार और मजबूत भारत की राह तय करेगा। आप यहां हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक और नारा बोलेंगे, मैं कहूंगा मैं भी, आप कहेंगे मैं भी, मैं भी, मैं भी। सब चौकीदारों को नमस्कार, धन्यवाद।